दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि 24 जून को ऑस्ट्रेलिया से जीतकर भारत 19 नवंबर का बदला पूरा कर ले तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों 24 जून के दिन भारत को हराने पर ऑस्ट्रेलिया के बड़े से बड़े खिलाड़ियों ने अपनी अपनी बयानबाजी जारी कर दी है। कप्तान से लेकर पैट कमिंस और मैक्सवेल से लेकर बाकी खिलाड़ियों ने भारत को हराने पर क्या जहर उगला है आपको दोस्तों रोहित कोहली पर उनके इस भड़काऊ बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत 19 नवंबर का बदला पूरा कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का अब तक टीजर चल रहा था, लेकिन असली पिक्चर अब शुरू होगी। अब तक तो लीग मैचेस में अपने अपने ग्रुप में हर कोई बेताज बादशाह बना फिर रहा था, लेकिन अब बारी सुपर 8 की है और इसमें वही 8 देश हैं जो दोस्तों ज्यादातर तौर पर किसी भी T20 या ICC टूर्नामेंट्स में हमें दिखते हैं। जैसे कि हमारे ग्रुप से भारत और यूएसए एक नया नाम निकला है, तो वहीं बाकी ग्रुप्स में से भी दोस्तों न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान जैसे देश आ रहे हैं। अब बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन 24 जून को एक ऐसा मैच होना है जिसका भारत को जीतना किसी भी मैच किसी भी टूर्नामेंट से 100 गुना ज्यादा जरूरी है। 19 नवंबर की रात तो आपको याद होगी, याद नहीं तो जरा जोर डालकर दिमाग पर याद कीजिए। ये वही रात है जिसके बाद से भारत में क्रिकेट का स्तर पहली बार थोड़ा नीचे गया था। वर्ल्ड कप का फाइनल था, अहमदाबाद का मैदान था, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान का बयान था और हमारी हार थी। उन्होंने कहा था वो 1,00,000 दर्शकों को चुप कराना चाहते हैं और शायद अब तक वो भारतीय फैंस के दिलों में है। उन्होंने चुप कराया भी और IPL में भी अच्छी कप्तानी की थी इस बार, लेकिन वो कप्तान नहीं है, लेकिन उस टीम का हिस्सा जरूर है जिसे हर एक भारतीय फैन, हर एक भारतीय खिलाड़ी दिल से हारता हुआ देखना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से हमारा सामना सेंट जॉर्जिया के मैदान में है। वेस्ट इंडीज का ये मैदान, इसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा आंकड़े तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 15,000 से 16,000 लोग आकर बैठ जाते हैं। और दोस्तों वेस्ट इंडीज के इस मैदान को अक्सर छोटा ही बताया गया है, तो रनों की बौछार भरपूर होगी और न्यूयॉर्क की तरह विकेट स्लो होने का तो मतलब ही नहीं है, जिसका मतलब एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर दिखेगा। लेकिन इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई चूजे कुछ दहाड़ने लगे हैं और भारत को हराने की बात करने लगे हैं, जो आपको भी सुनना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे नंबर 1 विलन पैट कमिंस का कहना इस मुकाबले को लेकर, सुना है भारतीय क्रिकेट टीम कुछ बच्ची टीमों को हराकर सुपर 8 में आ गई है, सुना है वो कुछ मैचेस जीतकर हमें हराने का सपना देख रहे हैं, तो उनके एक एक खिलाड़ी, उनके कप्तान को बता दूं, मैं IPL जरूर खेला हूं लेकिन अपनी टीम को प्रिपेयर करने के लिए, और मैं कप्तानी नहीं कर रहा तो क्या, टीम पर कंट्रोल मेरा ही है। रोहित अपनी पलटन में कितने ही बदलाव करके आ जाएं, उनको हराने का दम हम रखते हैं और हरा कर इस बार भी उनके फैंस को पूरी दुनिया में साइलेंट कराएंगे। दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल का कहना था, लगता है कि आप सभी इस बात से वाकिफ नहीं कि भारत ने किस किस को हराया है, छोटी टीमों को, और हमारे ग्रुप में देखिए हमने सभी बड़ी टीमों को हराया है, तो तैयार हो जाइए भारतीय क्रिकेट टीम, क्योंकि मुकाबला बच्चों से नहीं मर्दों से है और हम आपको रौंद कर रखने वाले हैं। दोस्तों कप्तान मिचेल मार्श ने भी कहा, लगता है कि भारतीय क्रिकेट टीम बहुत खुश हो रही है, वक्त है उन्हें खामोश कराने का और उनके हजारों फैंस को भी, उसमें एक अलग ही मजा है। और भारतीय क्रिकेट टीम, आपने जितनी खुशियां मनानी थी वर्ल्ड कप में अब तक मना ली, बस आपका सफर 24 जून तक ही है, तैयार रहिएगा बस। तो वही दोस्तों ट्रेविस हेड तक ने कह दिया, भारतीय क्रिकेट टीम को खुश देखकर जितने भी फैंस ये मान चुके हैं कि वर्ल्ड कप उनका है, आप केवल दिन में एक सपना देख रहे हैं, क्योंकि जीतेगा तो ऑस्ट्रेलिया ही और आपका देश 24 जून को हार रहा है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के हर एक खिलाड़ी ने भड़कते हुए जो कुछ भी भारत पर कहा है, उससे पता चलता है कि उनके मन में कितना जहर भरा हुआ है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, 24 जून को बदला हमारा पूरा होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया जीतकर हमें साइलेंस कराएगा, नीचे कमेंट करके आपका जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को खदेड़ने के लिए कप्तान रोहित शर्मा ने मैदान पर रख दिए हैं अपने कदम, जीत लिया है टॉस, हो चुका है कांटे का मुकाबला शुरू, तो आखिर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बना दिए हैं कितने रन, कौन सा बल्लेबाज खेल रहा है कितने रनों पर, कितना हो गया है स्कोर, या सब कुछ तो हम आपको इस मुकाबले की लाइव अपडेट में दिखाएंगे ही। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम सुपर 8 का यह मुकाबला जीतेगी, अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दो चिर प्रतिद्वंदी टीमें हैं, और जब भी दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो मुकाबला वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और दोस्तों यहां पर भारतीय कप्तान एक तरफ अपनी टीम को जिताने की सोचेंगे, वहीं दूसरी तरफ पैट कमिंस और मिशेल मार्श मिलकर भारतीय टीम को हराकर सेमीफाइनल के दौर से
बाहर करने की राह पर आगे बढ़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने अपने ग्रुप स्टेज के सभी 4 मैच खेल लिए हैं। इस दौरान टीम इंडिया को एक भी मैच में हार का मुंह नहीं देखना पड़ा। रोहित शर्मा एंड कंपनी ने पहले 3 मैच जीत कर हैट्रिक लगाई और कनाडा के खिलाफ आखिरी मुकाबला रद्द हो गया। ऐसे में दोनों टीमों को एक एक अंक मिला, जिसके चलते ग्रुप ए में मौजूद भारतीय टीम 7 अंकों के साथ टॉप पर रही और लगातार 3 जीत के साथ ही मैन इन सुपर ब्लू 8 में पहुंच गई। ऐसे में भारतीय टीम भी सुपर 8 में अपने ग्रुप की अन्य 3 टीमों से टकराएगी। ये टीमें अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। साथ ही एक टीम का भी निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों इस बार ऑस्ट्रेलिया को मजा चखाने के लिए हमारी भारतीय क्रिकेट टीम पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में भी कई बड़े बदलाव कर डाले हैं। तो चलिए आपको बता दें, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया T20 विश्व कप सुपर 8 मैच वेस्टइंडीज के सेंट लूसिया में डैरन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है और इस मैच में भारत की जीत की उम्मीद पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। वहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस मैदान पर टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला चुने हैं, जिसके चलते यहां टीम इंडिया पर निगाहें हर किसी की हैं। यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए भारत की टीम पहली पारी में 200 रनों के पार यदि पहुंच गई तो ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराना बहुत ही आसान हो जाएगा। वहीं अगर बात की जाए मैच के बारे में, तो अगर आपको भी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह रोमांचक मुकाबला लाइव अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर आप सभी मुकाबला देख पाओगे। और वह आपको मैच ऑनलाइन देखना है तो बिल्कुल मुफ्त में आपको हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और यही आपका सबसे बढ़िया विकल्प है, जहां हिंदी इंग्लिश के अलावा तमिल तेलुगू मलयालम जैसी रीजनल लैंग्वेज में भी यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। तो अब आगे मैच के बारे में बात की जाए तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा अपनी टीम में कई बड़े बड़े बदलाव करके उतरे हैं, जहाँ यशस्वी जायसवाल इस बार कप्तान रोहित शर्मा के साथ भारतीय टीम की पारी की शुरुआत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं विराट कोहली ऋषभ पंत एक एक पायदान नीचे खिसक चुके हैं और यहाँ अब टीम इंडिया और भी ज़्यादा बेहतर पहले के कंपैरिजन में लग रही है, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली ने पिछले ही मुकाबले में ओपनिंग करते हुए अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था, लेकिन अब विराट कोहली तीसरे नंबर पर आकर जड़ने की राह पर जरूर आगे बढ़ना चाहेंगे। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में, तो चलिए आपको पूरी प्लेइंग 11 बताते हुए चलते हैं, जहाँ भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। तो दोस्तों इस दरमियान भारत की तरफ से रोहित शर्मा के साथ ही यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत कर रहे हैं। वहीं फिर मध्यक्रम में विराट कोहली की तीसरे नंबर पर मौका मिला, तो वहीं चौथे नंबर पर ऋषभ पंत खेलते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवी पोजीशन पर जहां शिवम दुबे जलवा दिखाएंगे, तो छठवीं और सातवीं पोजीशन पर हार्दिक पांड्या रविंद्र जडेजा के कंधों पर ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ाने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है। वहीं गेंदबाजी डिपार्टमेंट में जसप्रीत बुमराह अर्शदीप सिंह मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव की फिरकी पर रोहित शर्मा ने सबसे अधिक भरोसा जताया है। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तो साफ हो जाता है कि भारतीय टीम इस बार काफी चुनौती पेश करती हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम को नजर आने वाली है। वहीं जाते जाते यदि ऑस्ट्रेलिया के बारे में तो बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पारी की शुरुआत डेविड वार्नर के साथ ट्रेविस हेड करने वाले हैं। वहीं मध्यक्रम में मिशेल मार्श ग्लेन मैक्सवेल मार्कस स्टोनिस टीम डेविड खेलते हुए दिखाई देंगे। वहीं विकेट कीपिंग मैथ्यू बेट के हाथों में सौंपी गई है, तो पैट कमिंग्स भी टीम का हिस्सा है। इसके अलावा मिशेल मार्क्स स्टॉप एडम जैम्पर और जो सेजलवुड टीम इंडिया के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों आप सभी की क्या राय है, भारत और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी टीम या रोमांचक सुपर 8 का मैच जीतेगी, और अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बारिश के बाद भारत और कनाडा के बीच हुआ 5-5 ओवर का मैच, तो विराट कोहली और ऋषभ पंत ने मचाया कहर। जी हाँ दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच बारिश के बाद 5-5 ओवर का मैच खेला गया। इस मैच में जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत ने अपने बेहतर प्रदर्शन के जरिए मैदान पर ऐसा कहर बरसा दिया जिसके सामने कनाडा की टीम चारों खाने चित्त हो गई। तो आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बाद विराट कोहली और ऋषभ पंत ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाई है, यह तो आपको बताएंगे ही। साथ में इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाले हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत जसप्रीत बुमराह और विराट कोहली में कौन है भारतीय टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, भारत और कनाडा के बीच में फ्लोरिडा के मैदान पर लीग स्टेज का अंतिम मैच खेला जाना था। हालांकि बारिश के चलते ही मैच को शुरू होने में देरी हुई, लेकिन जब मैच बारिश के चलते रद्द होने के कगार पर पहुंच गया तो इस बीच दोनों टीम के कप्तान ने अंपायर से बातचीत करते हुए आज 5-5 ओवर का छोटा मैच खेलने का आग्रह किया, जिसको अंपायर ने मान लिया। ऐसे में दोनों टीमों के बीच 5 ओवर का मैच खेला गया। इस बीच कनाडा की टीम के कप्तान साद बीन जाफर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और गेंदबाजी करने के लिए भारतीय टीम को आमंत्रित किया। इस बीच भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की। वहीं कनाडा की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए एरॉन जॉनसन और नवनीत मैदान पर आए। इन दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूत शुरुआत देने का प्रयास किया, जहां पर दोनों ने पहले ओवर में 9 रन बटोरे। इस बीच दोनों ने चौके के साथ अपना खाता खोला, लेकिन दूसरी तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह के सामने दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करने का प्रयास किया था, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह ने दोनों को ही काफी ज्यादा परेशान किया। इस बीच उन्होंने नवनीत को 4 रन के स्कोर पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया।
तो दूसरी तरफ से आरोन जॉनसन को 6 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए प्रगत सिंह और निकोलस मैदान पर आए, जहां पर इन दोनों ने इस ओवर के अंदर मात्र 3 रन बनाए। ऐसे में अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज के सामने दोनों बल्लेबाजों ने एक छक्का और एक चौका लगाते हुए मात्र 12 रन बटोरे। ऐसे में अब अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा आए।